किशोरी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अंबोरा गांव में 52 हेक्टेयर क्षेत्रफल का मामा तालाब है, लेकिन नहर का काम बराबर और साफ सफाई नहीं किए जाने के कारण तालाब का सारा पानी बगल के नालों में बर्बाद हो रहा है, जिससे गांव के आदिवासी किसानों की खेती करने के लिए एक बूंद भी नहीं मिल रही है, जिससे यहाँ के किसानों पर भूखे ही मरने की नौबत आ पड़ी है। पेश है गोंदिया जिले से हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी एक खास रिपोर्ट। गोंदिया जिले के अंतर्गत किशोरी यह आदिवासियों का गांव है। 2000 आदिवासी इसी गांव में रहते हैं। यहां के आदिवासी और बाकी समाज के लोगों का मुख्य कामकाज खेती करना है। इसी गांव के बाजू में जिला परिषद गोंदिया के तहत अर्जुनी मोरगांव के तहत जिला परिषद पंचायत समिति काम करता है। किशोरी गाँव के बाजू में 52 हेक्टेयर में फैला यही वो मामा तालाब है, जिसमें लबालब पानी है। इस तालाब में गढ़चिरौली से पानी आता है। इस तालाब का पानी देखकर आपको शायद यही लग रहा होगा कि यहाँ के किसानों को खेती काम करने के लिए यह मामा तालाब का पानी काफी फायदेमंद साबित होता होगा, लेकिन दर्शकों सही बात तो यह है कि इस मामा तालाब का लाखों लीटर पानी जिला परिषद पंचायत समिति के उदासीन रवैये के चलते एक नाले में यूं ही बर्बाद हो रहा है, जिसका फायदा तनिक भी यहाँ के किसानों को नहीं मिल रहा है। इस गांव के वन हक समिति के अध्यक्ष बाबूराव मडावी और माउली मित्र मंडल के संस्थापक सुहास खरे, इन्होंने हमारी टीम को उस तालाब तक ले गए और यहाँ की आप बीती बताई कि यहाँ के मामा तालाब का कोई भी रखरवाव हो या हो फिर इस कैनल का काम सही ढंग से नहीं किए जाने से किसानों को खेती के लिए इस तालाब का फायदा नहीं मिल रहा है। सुभाष थोड़ा बताइए पैन करके कि देखिए किस तरह से यहाँ पे तालाब जो मामा तालाब है उससे जुड़ा हुआ है, एक ये छोटा सा संकरित ऐसा एक कैनल बना हुआ है और उस कैनल में पानी जो कि तो पड़ा हुआ है वो आगे नहीं जा रहा है। आखिरकार ये जो कैनल है ये पूरी तरह से इस गंदगी से पटा हुआ है और पूरी तरह से ये चौकअप हो चुका है, मगर अफसोस के अर्जुनी मोरगांव के पंचायत समिति के सदस्यों का इस ओर ध्यान नहीं है। इतना नहीं तो गोंदिया जिला परिषद के आला अधिकारी हो, सभापति हो, अध्यक्ष हो, उनका भी ध्यान नहीं है, जिसके चलते ये कैनल जो कि तो अवस्था में पड़ा हुआ है और इसी के बाजू में एक नाला जो दिखाई दे रहा है, ये जो कैनल का पानी जाता है उस नाले में जाता है और उस नाले में जाने से वो पानी पूरी तरह से बर्बाद होता है, मगर अफसोस कि किसानों को नहीं मिल पाता है। इसलिए प्रशासन से इन गांव वालों ने खासतौर पे वन हक समिति के अध्यक्ष बाबूराव मड़ावी और तमाम लोगों ने ये गुहार लगाई है प्रशासन से कि वो इस ओर ध्यान दे और जो चुनाव में जो लोग आते हैं, आना कोई गलत नहीं, मगर आने के बाद में जो वायदे किए जाते उसे पूरा नहीं करते, उन्होंने वादा नहीं करना चाहिए, वादा खिलाफ ही वो अक्सर कर रहे हैं, ऐसा भी गाँव वालों का कहना था जब हमने इन विषय की टीम ने जब बात किया, तो इन लोगों को न्याय होना और न्याय तभी मिल पाएगा जब इस देश का अधिकारी अच्छे से काम करेगा और राजनेता भी अच्छे से काम करेगा और तब कहीं जाके किसान फिर से एक बार अच्छे से अपना कामकाज कर सकता है, लेकिन अफसोस कि ये होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशासन इस ओर ध्यान देना चाहिए, अर्जुनी मोरगांव के पंचायत समिति के सभापति ने ध्यान देना चाहिए, गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद के सभापति अध्यक्ष महोदय इन्होंने ध्यान देना चाहिए, तब कहीं ये किशोरी गाँव के अंबोरा स्थित ये जो खेत खलियान काम करने में जो किसान है वो जो तिल तिल मर रहे हैं उनका जीवन संवर्धन नहीं हो रहा है, उनका जीवन संवर्धन अच्छे से हो सकता है बशर्ते प्रशासन ने सकारात्मक सोच लेना होगा और इन लोगों के काम करना होगा। अंबोरी गांव के इस मामा तालाब से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज नागपुर। भारत यह कृषि प्रधान देश है और इस भारत में जब तक किसान है तब तक यह देश जीवित रह सकता है, ऐसे कहा जाता है और ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन आज के तारीख में किसानों की जो बदतर से बदतर हालत जो हो चुकी है उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन? हम यही बात आपको बताने के लिए आज किशोरी के अंतर्गत आने वाले अंबोरी उस गांव में आए जो गोंदिया जिले के अंतर्गत आता है। आप देख सकते कि ये जो एक तालाब भव्य दिव्य जो दिखाई दे रहा है, इस तालाब का नाम है मामा तालाब। जी हाँ, ये मामा तालाब 52 हेक्टेयर में फैला हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस तालाब में लबालब पानी है। अगर इस तालाब का पानी सही मायने में इस अंबोरा गाँव के किसानों को मिल जाए तो उनके खेत खलियान हरे भरे हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है।
आखिर इसकी क्या वजह है, यही जानने के लिए अब हम सीधा रुख करेंगे। इस समय में हमारे साथ में वन हक समिति के अध्यक्ष बाबूराव मड़ावी है, आइए उनसे ही जानना चाहेंगे। मड़ावी साहब, ये बताए कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि जिसके चलते ये इतना बड़ा जो भव्य दिव्य जो तालाब 52 हेक्टेयर में फैला हुआ है और काफी पानी दिखाई दे रहा है, क्या किसानों को इसका फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, अभी देखो इतना पानी, सारा पानी है और किसान हमारे अमूरे के मर रहा है और खेत पानी नहीं निकालते, कुछ नहीं निकालते, हर साल नुकसान हो रहा है और हमारे बीबी बच्चे ऐसे धूप में रहता है, किस ऐसे ये में रहता है, इसलिए हम ये पार्टी को मिला है, मावली पार्टी को, और हम कहाँ भी जा सकता, ये पंचायत समिति वाले को भी बताते बताते हम हैरान हो गया, ग्राम पंचायत वाले को भी बताते बताते हम हैरान हो गया, कुछ यहाँ सहकारी नहीं दे रहा है और कुछ आके नहीं देखता है। जब चुनाव होता है उस साल में, चुनाव में बारे में एक दो दिन आता है, ऐसा बोलता वैसा बोलता और चले जाता, कोई भी हमारा ये किसान का कोई फायदा नहीं करता है और कुछ नहीं। देखो सर, इतना बहुत पानी सर है लेकिन ये कुछ पानी शेतकड़ी के लिए जा रहा नहीं और शेतकड़ी भूखे मर रहा है, इसलिए हम अभी ये जो मावली मित्र मंडल है इससे हम मिला और इसको हम इस पार्ट पे दिखाने लाया, उन्होंने उनसे बातचीत किया, उन्होंने हमको अभी सलाह दे रहा है और सलाह से हम चलेगा, वही सलाह से काम होगा। और वो मावली मित्र मंडल बेचारे ने हमको यहाँ आया, आज तक हमारे पिताजी ने भी नहीं देखा, हमारी और दादी ने नहीं देखा, पर दादी ने नहीं देखा ऐसे कोई तालाब में भाषण करने का, और तालाब में चलो हम बना देता ऐसे करने से कोई भी नहीं आया इतना सारा। अब आप चाहते क्या हो? तो अभी देखो सर, तुम्हें है हमारा जो कर दूंगा तो हमारा तो पन ऐसे चले गए, लेकिन हमारे लड़के बच्चे का पन हो तो अच्छा हो जाएगा, हमको अच्छा अन्न मिलेगा, खाने के मिलेगा। देखो सर, बहुत गंभीर परिस्थिति है, आज जैसे बोलो हम फसल 2 एकड़ 1 एकड़ में हम 10 बोरे 15 बोरे वो तो बहुत 20 बोरे पकाता, लेकिन 10-15 भी नहीं हो सकता ये साल, ऐसी हमारी बहुत परिस्थिति गंभीर है सर, इसलिए तुम आ गया, तुम मेरे को यहाँ लाया, बहुत धन्यवाद सर, इसका काम बहुत हमको करने को होना। सरकार एक और भारत देश को सुख और समृद्धि की ओर दिखाई देती है और ये उनका मानना है कि इस देश के किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, मगर सरकार और प्रशासन के मैं अधिकारी को ये बता देना चाहता हूँ कि हकीकत में आज का किसान तिल तिल मर रहा है, पानी होने के बावजूद भी उनके खेती के लिए वो पानी नहीं ले सकते। इसकी वजह में मेरे कैमरा पर्सन सुभाष को मैं कहना चाहूँगा, सुभाष आप थोड़ा प्लान करके इधर बताइए कि यहाँ पे जिस तरह से ये जो एक कैनल दिखाई दे रहा है